वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है जापान की कट्टर दुश्मन, मुस्लिमों की कट्टर दुश्मन जापानी टीचर ने इस्लाम कबूल किया। तो देखते इसमें क्या दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज की स्टोरी एक ऐसी जापानीज खातून की है जिसको मुसलमानों से बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि जब उसको मालूम पड़ा कि उसका बेस्ट फ्रेंड मुसलमान है तो उसने डर की वजह से अपने मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड से भी किनारा कसी इख्तियार कर ली। तो दोस्तों इस कदर इस्लाम से डर होने के बावजूद भी इस खातून ने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि ये वीडियो इंग्लिश जुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू जुबान में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। ये 2023 का साल है, जापान में इस्लाम फल फूल रहा है और मकामी जापानी माहरीन बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये बहुत हैरत अंगेज कहानी है। जापान में पैदा होने वाली और परवरिश पाने वाली साकी तकाओ ने ओसाका जोगा कोइन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। तालबे इल्म के तौर पर अपने पहले साल के दौरान उन्हें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने का शानदार मौका मिला जो इन्हें ताइवान तक ले गया। 6 माह तक इन्होंने अपने आप को एक नई सकाफत में डुबो लिया, दोस्त बनाना और दिलचस्प मुहिम जोई का तजुर्बा करना। एक दिन एक बैनुल अकामी तालिबे इल्म की मीटिंग में शिरकत के दौरान इनकी मुलाकात तुर्कमेनिस्तान के एक दोस्ताना और दिलचस्प आदमी से हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो दोनों तलबा के तबादले के प्रोग्राम का हिस्सा थे और फौरी तौर पर जुड़ गए थे। सकाफती इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू किया। वो अक्सर अंग्रेजी में गुफ्तगु करते, अपने ख्यालात और तजुर्बात एक दूसरे से शेयर करते। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई उन्होंने एक साथ ज्यादा वक्त बिताना, बाहर जाना और बाहर जाकर ताइवान के मुतहर्रिक गलियों को तलाश करना शुरू कर दिया। उनके बिताए गए लम्हात हंसी और खुशी से भरे हुए थे जिससे गहरी यादें बन गई थीं। एक माह बाद साकी ने एक नए दोस्त के लिए एक खसूसी डिनर का एहतमाम करने का फैसला किया। उसने सुकियाकी को मेन डिश के तौर पर चुना ये सोचकर कि ये एक लजीज दावत होगी। ताहम रात के खाने के दौरान उसके तुर्कमेनिस दोस्त ने शाइस्तगी से सुकियाकी खाने से इनकार कर दिया। उसने वजाहत की कि वो डिश नहीं खा सकता क्योंकि इस शोरबे में अल्कोहल मौजूद है। उस वक्त साकी को एहसास हुआ कि उसका दोस्त मुसलमान है। इससे पहले उसके जहन में ये बात नहीं आई थी, लेकिन अब वो इस्लामिक कानून में उसकी गजाई पाबंदियों की अहमियत को समझ गई थी जो शराब नोशी पर पाबंदी लगाती है। उसके इस अचानक एहसास ने उसे हैरत और तशवीश का मरकब महसूस करा दिया। ताहम जैसे ही साकी ने अपने दोस्त के मजहबी पेशे मंजर पर गौर किया तो उसने खौफ की एक गैर मुतवक्का लहर महसूस की। इस्लाम के महज जिक्र से ही उसके जहन में खौफनाक कहानियां आना शुरू हो गईं, जो उसने आईएसआईएस जैसे इंतहा पसंद लोगों के बारे में सुने थे। उन हौलनाक कहानियों ने पुरअमन और मतनू मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में उसकी सोच को गलत मोड़ दे दिया था। अफसोस की बात है कि अपने दोस्त के अकीदे को बेहतर तौर पर समझने की बजाय साकी ने खौफ को अपने फैसले पर हावी होने दिया। उसने जल्दबाजी में उसे खुद को दूर करने का फैसला किया और मजीद किसी भी तरह के रास्ते से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका एक करीबी रिश्ता टूट गया जिसकी वजह से वो दोनों परेशान और तकलीफ में थे। But now she understood the significance of his dietary restrictions due to Islamic law, which prohibits the consumption of liquor. Her sudden realization left her feeling a mixture of surprise and concern. However, as Saki reflected on her friend's religious background, she felt an unexpected wave of fear. The mere mention of Islam triggered terrifying stories she had heard about extremist groups like ISIS. These horrifying tales had overshadowed her understanding of the peaceful and diverse Muslim community. जापान वापस आने पर साकी की हरकतें उसके जमीर पर भारी पड़ने लगी। वो अपने ही रवैये पर सवाल करने लगी। उसे शर्मिंदगी का गहरा एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त के साथ ताल्लुकात मुंतका करने की वजह उसके जल्दबाजी में किए गए फैसले जहालत और तासुब पर मबनी थे, जिसका सामना उसे मनफी ख्यालात से हुआ था। साकी ने समझा कि उसके खौफ ने उसे मुख्तलिफ सकाफतों
और मजाहिब की खूबसूरती और उनकी अच्छाइयों की तारीफ करने से रोक रखा है। उसने अपने तासुबात को तसल्ली देने, खुद को तालीम देने और समझ और एहतराम की बुनियाद पर हकीकत को बढ़ावा देने की ज़रूरत को तस्लीम किया। दो साल बाद 2019 की गर्मियों के दौरान साकी ने मुस्लिम अकीदे के लोगों से राब्ता कायम करने के लिए अकेले सफ़र का आगाज़ किया। उसका एडवेंचर उसे तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब ले गया, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। अपने पूरे सफ़र के दौरान साकी को बेशुमार मेहरबान लोगों से मिलने की खुशी हुई। एक बस के सफर के दौरान वो एक नौजवान से मिली, जिसने हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बे को जाहिर करते हुए दिल खोलकर अपनी रोटी बांटी। और तो और, साकी ने एक औरत के साथ एक खास रिश्ता कायम किया, जिसने उसे एक गर्म खुशामदीद माहौल फराहम करते हुए कुछ दिन के लिए रहने की जगह की पेशकश की। इस मुलाकात से आहिस्ता आहिस्ता साकी का जहन मुसलमानों के खौफ से पाक होता गया, जिससे वो हर फर्द के अंदर इंसानियत और खूबसूरती को देख सकती थी। और उसने उनके ज़िंदगी में गहराई में जाने और उनके अकायद, रस्मों रिवाज और रिवायात को बेहतर तौर पर समझने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। जापान वापसी पर साकी ने फ़ाल तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए मौके की तलाश शुरू की। उसने जल्द ही अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरे मुल्क के एक मुसलमान तालिबे इल्म से दोस्ती कर ली, जिससे एक करीबी और गहरी दोस्ती हो गई। अपनी बातचीत के जरिए साकी ने मुसलमानों के अकीदे, सकाफत और नुक्ता नज़र के बारे में काबिले कदर बसीरत हासिल की, अपने इल्म को मजीद बढ़ाया और किसी भी तवील गलतफहमी को दूर किया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद साकी ने जोश के साथ ओसाका के एक हाई स्कूल में अंग्रेजी टीचर के तौर पर अपना किरदार अदा किया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके सभी तालिबे इल्म ने मजाहिब को, बिलखुसूस इस्लाम को, दहशतगर्दी से जोड़ रखा है। इस एसोसिएशन ने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि उसने तस्लीम किया कि उसके मनफी तासुरात इस्लाम के मुस्बत पहलुओं पर छाए हुए हैं। उसने उस तासुर को बदलने की शदीद ख्वाहिश महसूस की। इस्लाम के बारे में मजीद इल्म हासिल करने की अपने जस्तजू में साकी ने मजहब की बेहतर तफसील हासिल करने के लिए अपने पड़ोस की मस्जिद का दौरा करना शुरू कर दिया। उसने खुद को इस्लामी सकाफत में ढाल लिया, हलाल खाने की कोशिश की और रमजान के रोजे में भी हिस्सा लिया। वो जितनी ज्यादा सीखती गई उतनी ही उसकी तवज्जो बढ़ती गई। जब साकी ने मुसलमान होने का फैसला किया तो उसने ये खबर अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, जबकि उसकी वालिदा ने नापसंदीदगी का इजहार किया। उसके वालिद ने उसे उन मुमकिन चैलेंजों के बारे में खबरदार किया जो उसके तब्दीली के बाद उसे दरपेश हो सकती है। उन्होंने उसे पेश आने वाली मुश्किलात पर गौर करने की नसीहत की, लेकिन उसे याद दिलाया कि अगर जब तुमने एक बार इस नज़रिए को कबूल कर लिया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इस नज़रिए पर चलने की भी ताकत होगी। हालांकि जैसे ही साकी शहादा लेने के लिए एक अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही थी, वो कोविड-19 से मुतासिर हो गई। यह महसूस करते हुए कि ये सही समय नहीं था, वो हिचकिचाई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस अरसे के दौरान उसकी मुलाकात अपने मंगेतर से हुई, जो कि एक मलेशियाई मुस्लिम लड़का है, जो उसकी परेशानी को दूर करते हुए सुकून और मदद का जरिया बना। अपने 26वीं बर्थडे आने पर उस दौरान अपने चाहने वालों में घिरी साकी ने आखिरकार शहादत का कलमा पढ़ लिया, जिससे उसने बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। इन मुनफरद तजुर्बे पर गौर करते हुए उसने इस अजीब और गहरे एहसास को तस्लीम किया जो उसके नए अकीदे के साथ था। उसने अपने बाकी मजहबी सफर के लिए उस एहसास को पालने और याद रखने की ख्वाहिश जाहिर की। जबकि साकी ने तस्लीम किया कि जापानी माशरे में रहना चैलेंज का बाइस बन सकता है, उसे इस चीज से सुकून मिला कि अब उसके लिए दो माशरे खुले हैं, एक जापानी माशरा जिसमें वो पैदा हुई थी और दूसरा इस्लामी दुनिया जिसने उसका खुले दिल से इस्तकबाल किया था। इस नए पाए जाने वाले दौरे ने उसे आज़ादी और पनाह का एहसास फराहम किया। क्या उसे कभी किसी एक माशरे की मुश्किलात को नाकाबिले बर्दाश्त समझनी चाहिए? इस्लाम कबूल करते हुए साकी तकाओ ने न सिर्फ अपने लिए एक अहम फैसला किया, बल्कि सकाफती तकसीम को ख़त्म करने और मजहब के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक सफ़र भी शुरू किया। इनकी कहानी जाती तजुर्बात की ताकत और आलमी नज़रिए पर होने वाली तब्दीली के असरात के सबूत के तौर पर काम करती है। While Saki acknowledged that living in Japanese society might pose challenges, she found solace in the knowledge that she now had two societies open to her, the Japanese society she was born into and the Islamic world that had welcomed her with open arms. This newfound duality provided her with a sense of freedom and refuge should she ever find the difficulties of one society unbearable. In embracing Islam, Saki Takao
had not only made a significant decision for herself, but had also embarked on a journey to bridge cultural divides and dispel misconceptions about religion. सच में कितना अच्छा लगा देख के सब बता रखा है कि किस तरीके से जापानी लड़की जो कि एक टीचर थी उसने इस्लाम कबूल कैसे किया। पहले वो डरती थी मुस्लिमों से, उनके खौफ से डरती थी क्योंकि उसके दिल में जो मुस्लिमों के खिलाफ जो बातें थी वो थी, और वो सोचती थी कि सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वह मुस्लिमों को समझने लगे, उनके धर्म को समझने लगे, उनके दिल को समझने लगे और उनसे मेलजोल करने लगे, जिसकी वजह से उससे पता चला कि मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं, जो दिखाया जाता है वो गलत होता है, ताकि लोगों में भय पैदा कर सके और लोग नफरत पाल सके। लेकिन जब उसने सच्चाई जाने उनके साथ रह के बताया और उनके बारे में जानने की कोशिश की, तब पता चला कि मुस्लिम अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, जो दिखाया जाता है वो सब गलत होता है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उनकी अच्छाई को देखते हुए। तो आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।